मैंने कहा आपके लिए छूट है, आप होली का रंग चाहे तो खेल सकते हैं। तो आज विनोद जी ने वास्तव में हमारे साथ होली खेली है, क्रम उलट दिया है। माननीय आलोक जी का तो अंत में ही होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो स्वाभाविक रूप से हो जाए वही शायद ज्यादा फलीभूत भी होता है। मैं भी अपनी ओर से आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सबका व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, देश के लिए, समाज के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए फलीभूत हो, अधिक से अधिक सकारात्मक योगदान राष्ट्र निर्माण की इस बेला में आप कर सके, ये मेरी प्रभु से कामना है। वास्तव में ये जो वर्ष है 2080 जो परसों से वास्तव में प्रारंभ हो रहा है, ये एक नवोत्थान का वर्ष है, हिंदू की शक्ति का जागरण का वर्ष है। कई अनसुलझे प्रश्न इस वर्ष सुलझने वाले। एक विषय तो आप सबको ध्यान में है ही, 500 वर्ष का संघर्ष फलीभूत हो रहा है। इसी वर्ष में राम जन्मभूमि में गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे, यह घोषणा न्यास के द्वारा की जा चुकी है। और निश्चित रूप से वह पल केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का विषय है। और इस समय हम सबको ध्यान में है हिंदुत्व की विजय यात्रा भी एक प्रकार से चल रही है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। मैं दोबारा से यह वाक्य अंडरलाइन करते हुए दोहरा रहा हूं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज हिंदू लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यह बात हर एक को तो हजम होगी नहीं, क्योंकि हिंदू मजबूत हो रहा है तो देश भी मजबूत हो रहा है। इसलिए राष्ट्र विरोधी शक्तियां, वो चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, वो सब एक टूल किट गैंग की तरह से एक ही योजना के अंतर्गत काम करते हुए दिखाई देते हैं। कोई देश को गाली दे रहा है, कोई हमारी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, कोई हमारे धर्म ग्रंथों पर कर रहा है, कोई देवी देवताओं पर कर रहा है, कोई महापुरुषों पर भी कर रहा है। लेकिन इन सबको मालूम है वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब टूल की गैंग चाहे कितने भी नरेटिव्स राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी खड़ा करने की कोशिश करें या पिछले 100 साल से कर रहे होंगे, इन सब के नरेटिव्स बदलने ही वाले हैं। और एक ही नरेटिव रहने वाला है, और वो नरेटिव ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदू विचारधारा अग्रणी रहेगी, हम सबके योगदान से रहेगी। और यह वर्ष निश्चित तौर पर हिंदू के पुनरुदय और भारत के नवोत्थान का वर्ष इस रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। कार्यक्रम के अंत में दो परिचय और रह गए थे मेरे से, श्रीमान एन के